उत्तर प्रदेश के जिला फरुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र के नेगामा ग्रामवासियों ने गिनाई गांव की समस्या। ग्रामवासियों ने सड़क का निर्माण न होना, गंदगी का भंडार होना, खंभों पर स्ट्रीट लाइट ना होना, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग को ध्वस्त होना व पानी भरा होना, गांव में एक भी सार्वजनिक शौचालय ना होना, गाँव के प्राइमरी स्कूल के शौचालय में ताला लगा होना, अगर खुला भी है तो गंदा होना, स्कूलों के कमरे में पानी भरा होना, गाँव के लिए सार्वजनिक शौचालयों के लिए आए हुए रुपयों का गमन होना सहित गांव की सभी समस्या को बताया। ग्रामवासियों का कहना है कि प्रधान विवेक कुमार के दरवाजे के सामने व उनके भाई के परिवार के गांव के कांटेदार के दरवाजे से निकलने वाली सड़क का निर्माण कराया गया है और गांव की बाकी सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया है। सड़कों पर पानी भर जाता है जो गाँव के लोगों को आने जाने में दिक्कत देता है। सड़क पर कीचड़ होने की वजह से बच्चे गिर जाते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों का कहना है कि प्रधान किसी भी काम कराने के नाम पर कोसों दूर भागते हैं और प्रधान जी भारत स्वच्छ मिशन अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गांव में महीनों तक साफ नहीं हो पाता है, कूड़े कचरे और गंदगी का ढेर लगा रहता है जिसकी वजह से नालियों में कूड़ा इकट्ठा होने की वजह से गंदगी और बीमारी फैलने लगती है, बच्चे और बड़े लोग बीमार होते हैं। प्रधान ने एक रिपोर्टर के सवालों का जवाब देने से भी इनकार किया और कहा कि ऐसे बहुत पत्रकार आते हैं और जाओ खबर दिखाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं बताऊंगा। गांव के लोगों का कहना है कि सार्वजनिक शौचालय बनवाने के लिए 70,000 रुपए आए, लेकिन गांव में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं बना है। 2.5 साल में कोई भी काम ग्राम प्रधान ने नहीं करवाया है, लेकिन ग्राम प्रधान ने 70,000 रुपए का एक काम होने की बजाय 40 काम कराने को कहा है। गांव के वासी संदीप कुमार मोरे हनुमान राजपूत का कहना है कि गांव में लगभग 500 घर है लेकिन शौचालय केवल 100 आए हैं। और एक और बात है कि प्रधान अपने मिलने वालों को शौचालय दिलवाते हैं, बहुत से लोग शौचालय लेने से वंचित हैं, जिनके शौचालय के रुपए शौचालय बनवाने वालों के खाते में नहीं आता है, बल्कि प्रधान जी अपने पास अपने स्तर से शौचालय बनवाते हैं। जब न्यूज की टीम गांव पहुंची तो प्रधान गांव के से खिसक गए और लोगों के सामने आने से मना कर दिया। प्रधान ने बहुत कोशिश करने के बाद टीम से मिले और कहा कि पूर्व प्रधान ने काम नहीं करवाया है तो मैं कैसे करवा दूं, और प्रधान विवेक कुमार अपना पल्ला झाड़कर चले गए। आपका नाम क्या है? विवेक कुमार। कौन से गांव से हैं आप? ग्राम पंचायत नेगमा। आपको कितने टाइम हो गया प्रधानी जिम्मेदारी संभाले? 2015 यानी कि 12 में चुना हुआ था, 2015 और 12वां महीना में चुना हुआ, तब से इतना टाइम हो गया आज तक, अब समझ लो इतना टाइम हो गया। आपके जो गांव में खाली कोटेदार के मतलब बाला रोड बना हुआ और आपका रोड बना हुआ है, उसके बाद नहीं बना हुआ, आपके आपके गली के मकान के बाहर सामने, घर के सामने घर, तो ये दो ही रोड क्यों बने हैं अभी तक? दो रोड जो अभी तक खराब सबसे ज्यादा थे, जो सबसे ज्यादा खराब, जो कि निकल नहीं पा रहे थे आदमी, वहाँ इसलिए बनाए गए जो सबसे और जगह आदमी निकल सकता। नहीं नहीं, यहाँ पे अभी हमने देखा था पीछे तालाब के पास काफी रोड मतलब सकरा हुआ है और ताल का पानी आ जाता है, वहाँ बच्चे गिर जाते हैं, लोगों की समस्या ये है कि बच्चे गिर जाते हैं, तो वो रोड उस पे और वहाँ जो भी दोनों रोड बने वहाँ दोनों तालाब वहाँ भी पास में है, तो वहाँ भी मतलब बच्चों का खतरा था। वहाँ पे तालाब दिखाई नहीं हमें, जहाँ पे कोटेदार का घर है यहाँ पे, वहाँ पे तो तालाब है नहीं उस टाइम। अब वही तालाब आप दिखाया किसी? नहीं, मैं तालाब देख लिया, खाली उतना ही रोड मतलब कोटेदार के घर से और वो पेड़ है जब नीम का, वहीं तक बना हुआ है रोड। हाँ, तो वही तालाब है। नहीं, वहाँ पे तो काफी ईंटे खलंजा बिछा हुआ है, वो सीसी है यार, खलंजा भी बिछा हुआ है, हमने देखा है। तो वो दूसरा इस साइड दूसरा रोड है, आपने उधरी इलाके में रोड बनवाए हैं, बाकी कहीं बने नहीं? ऐसा कुछ नहीं, अभी एस्टीमेट जे साहब ने जे वाला पास कर दिया और एक सीसी जे अभी पुल वाली जे पास कर दिया। लोगों को समस्या है कि यहाँ पे पहले लाइटें लगी थी खम्भों पे, वो लाइटें खराब हो गई, उसको संभालने के लिए गए हैं, अभी तक कोई लाइटें लगी ही नहीं। लाइट दोबारा उसने जिसने वापिस जो क्या बोलते हैं जिसने लगाई थी ठेकेदार ने, वो वापिस ही नहीं लेके आया वापिस। और ये ग्राम पंचायत जो आपकी है ये जर्जर खड़ी हुई है, इसमें पानी भरा हुआ कम से कम पैरों से जी। और इसमें मतलब खूब गंदगी पड़ी हुई है, किस वजह से पड़ी हुई है जी? ऐसा है, इसकी मिट्टी नहीं मिल पा रही इतनी, कम से कम 100 ट्राली से पार मिलेगी, मिट्टी मिलने की वजह से इसका एस्टीमेट भी हम बनवा चुके हैं एक बार। नेगमा पोस्ट ऑफिस रोशनाबाद डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद यूपी। हाँ जी, हमारे यहाँ पे एक नहीं हजारों समस्याएं आ गई हैं, जैसे कि लाइट की व्यवस्था,
करीब 300 मीटर की दूरी है जिसके किनारे हम खड़े हुए हैं, नाले के किनारे। और इसमें बच्चे भी कई बार अंधेरे में गिर जाते हैं, कई बार बड़े बुजुर्ग भी गिर जाते हैं, पेशाब वेशाब करने आते हैं। और ऐसी समस्याएं आई हैं जैसे कि हमारे यहाँ ना तो गलियाँ बनी हैं और गलियाँ कच्ची हैं, तो उनमें करीब करीब मोटी जांग से पानी भर जाता है और ना तो गलियां बन पा रही हैं और ना पेशाब घर बन पा रहे हैं। 60% लगभग शौचालय बने हैं और 40% शौचालय भी नहीं बने हैं और जिनकी इनकी कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे सफाई कर्मी आता है क्या? कोई सफाई कर्मी तो आता है लेकिन गांव बड़ा होने की वजह से इधर ही रहता है, लेकिन पूरे गांव की सफाई नहीं होती है। सफाई कर्मी बढ़ानी चाहिए। और लाइटें जो दी गई थी अंधेरे में गिरने के बाद का कारण ये है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग गिरे हैं, हाथ पैर में चोट लगी है, कि जितनी भी लाइटें आई थी अल्टिया कंपनी की आई थी, दोबारा रिपेयर होकर के आई ही नहीं है। या तो प्रधान जी ने रख ली अपने अंडर में या फिर अपने पर्सनल व्यक्तियों को दे दिया। और हैंडपंपों का तो कई बार ऐसा हुआ कि एक बार करवा दिया, सालों साल दो दो तीन साल उनकी ना तो रिपेयर की गई, मरम्मत की गई, और मरम्मत का पता हमेशा निकाल दिया जाता है। जहाँ पे इसको पानी का भराव हो जाता है, बीमारियाँ फैलती हैं आपके बीमार होते हैं। हाँ जी, टाइफाइड, मलेरिया और कई प्रकार की बीमारियाँ हैं, जैसे कि पैर जो है उंगलियाँ सड़ जाती हैं और बहुत खुजली होती है उनमें बच्चों। इसके लिए आपने ऊपर अधिकारियों से बात की नहीं किया? हाँ जी, अभी तक तो कई बार गए हैं, प्रधान जी से कहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सेक्रेटरी साहब थे हमारे अजय द्विवेदी, तो उनसे हमने कई बार कहा। अभी तक आप तो, आपको ये मालूम हुआ बजट आया कि नहीं आया था? बजट तो आ भी चुका है जिसमें 70,000 रुपए पेशाब घरों का निकल चुका है। पेशाब घरों का? हाँ जी। वो गया कहाँ? वो तो प्रधान जी और सेक्रेटरी जी की साहब के जेब में चला गया। अभी तक पेशाब घर एक भी निर्माण नहीं हुआ? कहीं नहीं, आप पूरे गांव में स्कूल देख लो। स्कूल की क्या कैसी व्यवस्था है? स्कूल में तो साहब पानी पानी दिखता है, बरसात जरा सी छुटपुट बारिश होती है, एक करीब करीब कम से कम 1.5 फीट 2 फीट पानी भर जाता है। 3 स्कूल है आपके यहाँ? हाँ जी, 2 प्राइमरी स्कूल, प्रारंभिक स्कूल और एक जूनियर स्कूल है। वहाँ पे खाने की खाना बनाया जाता है, वो कैसी व्यवस्था है? वो तो ऐसी व्यवस्था है कि बच्चे खाएं तो ठीक, ना खाएं तो ठीक है। ड्रेसें बैग हम तो गाँव में रह नहीं पाते हैं, काम ही लगा रहता है। अब हम देखेंगे, बच्चों से पूछेंगे तो हम आपको पूरी जानकारी।